सबसे पहले गाड़ी में बैठते पहले तो सीट एडजस्ट करनी है अपने को, ठीक है, ताकि अपने पेडलों पे पैर अच्छे से पहुंच सके। उसके बाद अपने को ग्लास सेट करना है तीनों, और उसके बाद सीट बेल्ट लगानी है, ठीक है। जोर से प्रेस करना, जोर से अंदर डालो, अंदर प्रेस करो करो, हाथ हटाओ एक बार, इसको खींच के दो मुझे, ये चीज़ है, ये चीज़ में डायरेक्टली अंदर डालना है ये, ठीक है। मतलब इसको जब अपन अंदर प्रेस करते हैं उस समय जोर नहीं देना है ज़्यादा, ज़्यादा जोर देने से क्या होता है ना, वो प्रेशर लगता है तो अपन महसूस नहीं कर पाते उस चीज़ को कि भाई वो लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अब ये वाला जो ये चीज़ है, ये वाली कौन सी, हाँ इसको अपना कंधे पर ले लेना है। अब क्लच को प्रेस कर लिया अपन, क्लच प्रेस करते हैं तब पैर यूँ नहीं होना चाहिए, पैर यूँ होना चाहिए, देखो मेरा पैर देखो, ये यूँ होना चाहिए पैर, यूँ नहीं होना चाहिए, ना कि यूँ खड़ा होना चाहिए, केवल हल्का सा यूँ रहेगा पैर, वापस पैर की पोजीशन चेंज हो गई। हाँ राइट में लो इसको थोड़ा, हाँ दबाओ क्लच, फिर क्लच दबा के गाड़ी ऑन करनी है। अब अपन को न्यूट्रल चेक करना है, गियर में न्यूट्रल चेक करो, कैसे चेक होगा, लेफ्ट और राइट में प्रेस करके देखो, अगर हो रहा है तो मतलब ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि मैंने न्यूट्रल में ही छोड़ी थी इसको, इसलिए न्यूट्रल में है। लेकिन सडनली अगर कोई मान लो गियर में छोड़, गाड़ी गियर में है और अपन गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, तो अपने को मालूम होना चाहिए गाड़ी कौन से गियर में है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है इसलिए लेफ्ट और राइट में प्रेस हो पा रहा है, अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो लेफ्ट और राइट में प्रेस नहीं होता। चाबी लगाओ गाड़ी में, राउंड करो, दो बार हो गए राउंड, क्लच नहीं दबाया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब सब चलो छोड़ो, हाँ अगर मान लो ये गाड़ी गियर में है, अब आप सेल्फ लगो, हाँ ये देखो एक्टिविटी कर रही है ये, इसलिए क्लच दबाना कंपलसरी है। तो क्लच कहाँ दबाया अपन ने, वो तो ठीक है, ये हैंड ब्रेक लगा हुआ था इसलिए गाड़ी, बस 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 ये देखो फिर क्लच छोड़ दिया। एक चीज़ समझो कि भाई आप क्लच प्रेस कर रहे हो उसके बाद छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आपको जस्ट उसके बाद गियर तो शिफ्ट करना ही है ना, हाँ। तो फिर बार बार छोड़ के उसको क्यों शिफ्ट करेंगे, तो क्लच दबाया हुआ है तो उसको दबा ही रहने दो, जैसे क्लच दबा लो, तो इसको छोड़ना क्यों है, अब फिर छोड़ने के लिए अपने पास कारण होना चाहिए, क्योंकि बस हो गई स्टार्ट हो गई, सेल्फ जल जाएगा ऐसे। अब जैसे मान लो गाड़ी मान लो ये गियर में डाल दी थी मैंने अभी, इसलिए मूवमेंट करने लगी थी, अब जैसे आपने क्लच दबा लिया गाड़ी ऑन कर ली, तो उसके जस्ट बाद आपको गियर भी शिफ्ट करना ही है, तो क्लच को नहीं रिलीज़ करना है आपने, क्लच रिलीज़ तभी करना है जब अपने को चलना है ना, या फिर आपको उतरना है, फिर आप गाड़ी खड़ी करके न्यूट्रल कर लिया अपने आप उतर रहे हो तो क्लच छोड़ना। आप क्लच दबाया किस लिए, अपन ने गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने के लिए, तो अपन बार बार क्लच को छोड़ेंगे तो फिर वापस शेड्यूल बिगड़ेगा ये, तो आप फर्स्ट गियर शिफ्ट करो। अब हैंड ब्रेक डाउन करो, बस ठीक है, अब अपने को क्लच को छोड़ना है धीरे धीरे, वो भी ये देखो एकदम से छोड़ा गाड़ी ऑफ, पैर को सही से सेट कर लो, क्योंकि पैर सेट नहीं होगा तो क्लच नहीं प्रेस कर पाओगे, सही से मैनेज नहीं होगा वो, हाँ बार बार पैर को सेट मतलब अब सेट नहीं करना है, चलो ऑन कर लो वापस क्लच दबा कर, चलो धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, ये एकदम से छोड़ दिया, चलो ऑन कर लो वापस, धीरे धीरे रिलीज करना, और एडी को फिसलो, मतलब वहाँ पैर को मत उठाओ, एडी को फिसलो वहाँ, दोनों हाथ से स्टीयरिंग नहीं पकड़ना है, कल भी इस चीज़ के लिए मनाई थी, आज भी मनाई है इसके लिए, और क्लच को पूरा रिलीज करके रखना है। और किसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्या चीज का हो रहा है बोलो, तो स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग पे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन और कुछ इन पार्ट्सों में जो कल अपन सीखा था उसमें आज जो कुछ डिफिकल्ट लगा हो आपको कि भाई ये चीज नहीं समझ में आई, ब्रेक करा रहा है क्लच को दबा लो पूरा, केवल क्लच ही प्रेस करना, वो ऑटो उधर जाएगा, ऑटो उधर जाएगा वो, चलो क्लच को देखो फिर एकदम से छोड़ दिया, पैर को उठाएंगे तो क्लच सही से नहीं छूट पाएगा, पैर को उठाना बंद कर दो, पैर की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है अपना,
पैर को एक जगह एक्टिव रखो, क्योंकि एडी उस साइड में चाहिए होगी, तभी जाके आप क्लच को, या फिर इधर लेके आ गए एडी। हाँ एडी उस साइड में होनी चाहिए। हाँ आप क्लच को प्रेस करो, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है, ऐसे एकदम से छोड़ोगे तो गाड़ी नहीं आगे कंफर्ट कर पाई, फिर बंद दबा लो क्लच वापस, ब्रेक लो, चलो ऑन करो। ब्रेक क्यों लिया यहाँ पे मालूम पड़ा कुछ पीछे? फिर एकदम से छोड़ दिया, दबो क्लच को वापस, स्टार्ट करते ही नहीं छोड़ना है क्लच को, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना, स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में गाड़ी दबी। दो पॉइंट में छोड़ना है क्लच को, पहले तो आप क्लच को रिलीज करो, फिर उसको चलने दो गाड़ी को। हाँ ये आप क्लच, ये वापस हो, ऑन करो वापस क्लच दबा, फिर एकदम से छोड़ दिया, ऑन करो वापस, एकदम से रिलीज मत करो, मतलब हाफ क्लच रिलीज करो पहले, फिर पूरा क्लच छोड़ना चलने के साथ। हाँ अब ये यहाँ बंद क्यों हो रही है बार बार, क्योंकि गाड़ी ब्रेकर में फंसी हुई है, तो इसके साथ रेस भी देनी पड़ेगी बल्कि, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। क्लच के साथ रेस है? हाँ वो जब हाफ क्लच रिलीज करेंगे ना अपन, जैसे वो हाफ क्लच पे वाइब्रेशन आया था इंजन में अभी, हाँ बस इस वाइब्रेशन पे हल्की रेस दो, रेस दो, हाँ रेस दो, हाँ दे रखो, हाँ इतनी रेस नहीं देनी है बस, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अब ये जो रेस प्रेस की ना अपन ने, उसके साथ हल्का सा क्लच भी छोड़ना है, क्योंकि हाफ क्लच पे तो गाड़ी लोड तो ले ही रही है, पावर तो मिल ही रहा है गाड़ी को, तो पावर के साथ साथ गाड़ी को ज़्यादा पावर देने के लिए अपन को रेस प्रेस करनी है, क्योंकि क्लच से गाड़ी को चाल मिल जाएगी, भाई चलने के लिए रेडी है गाड़ी, तो फिर रेस देने से गाड़ी को पावर मिल जाएगा। अब क्लच को रिलीज कर दो ना पूरा, क्लच को पूरा रिलीज कर दो, क्योंकि रेगुलर दबा के रखने से फिर गाड़ी में इंजन में क्लच प्लेट डैमेज होती है। दोनों हाथ स्टीयरिंग में नहीं रखना है, हाथ एक की पोजीशन एक ही जगह रखो, मतलब बार बार इस हाथ के एक्टिविटी को बार बार इधर उधर हिलाओ मत। देखो हाथ अगर यहीं रहेगा आपका हाथ, नहीं हाथ कहाँ होना चाहिए अपना एक्चुअल में, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना अपने को, हाँ ऐसे, तो ये हाथ एक ही जगह रहेगा, बार बार जगह शिफ्ट नहीं करनी, चेंज नहीं करनी अपने को, हाँ